तो आप देखें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का लगातार ये आठवें दिन का संघर्ष, तो 8 दिन हो गए हैं और 8 दिनों में अभी भी देखिए महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका डटी हुई है। तो जिला कलेक्ट्री उदयपुर से सीधा दृश्य आप देख रहे हैं। तो आप देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का देखिए ये पूरा धरना और कैसे बैठे हुए हैं, देखो आप। ओहो, जाना भी बहुत मुश्किल है, ऐसी ऐसी गलियों में बैठे हुए हैं। तो जहाँ छाया मिल जाए वहीं बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप कि एक तो गर्मी और ऊपर से न छाया की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है। हटियाओ जी, दीदी बताओ कैसा रहा आपका ये तो धरना प्रदर्शन? तो है ही है, अमरकस के कार्यकर्ताएं बैठी हुई है, चाहे गर्मी हो चाहे प्यास हो, पानी हो रोटी हो नहीं हो, धूप में बैठ के खा रहे हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन हमारा जारी है। जो मांगे हमने की है वो मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और डटे रहेंगे जब तक कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी नहीं होगी। सरकार की ओर से क्या जवाब? सरकार की ओर से अभी तक कोई आश्वासन हमें नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि हमें सरकार जल्दी से जल्दी कोई आश्वासन दे दे और हम अपना काम वापस करें। हम हमारा काम करने की इच्छा रखते हैं क्योंकि हमारे बच्चे भी वहाँ परेशान हो रहे हैं। आंगनवाड़ी अभी तक नहीं खुली है। जब तक कार्यकर्ता और सहायिका आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खोलेगी तब तक ऊपर के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कुछ भी काम नहीं ले सकते। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। हमको नियमितकरण करो, नियमित नहीं करते हो तो 21,000 या 25,000 हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। अगर हम काम नहीं देंगे, हम आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खोलेंगे तो कौन से उप निर्देशक, शासन सचिव, निर्देशक, मंत्री महोदय कोई भी काम नहीं ले सकता है। अगर उनको काम करना है तो वो नीचे उतरे और हमारी समस्या समझे उनको, क्योंकि हम सबसे नीचे हम हैं और सब हम कार्य करते हैं। हम कार्य करते हैं तो अधिकारी सब सूचना लेते हैं और ये इतना कम मानदेय में 3,900 में क्या देते हैं सरकार? उनको सोचना चाहिए ना कि महंगाई का समय आ गया है, इतना पैसा हमारे को हम कहाँ से लावे? ये केंद्र सरकार का पेमेंट अलग जमा होता है, राज्य सरकार का पेमेंट अलग जमा होता है, वो भी टाइम पर जमा नहीं होता है। और 1,000 रुपये केवल मात्र मकान किराए देते हैं। 1,000 में आज के समय में कौन मकान किराए देवे? हम हमारे घर से मकान किराए भरते हैं, हर चीज में हमारे घर से हम पैसे लगाते हैं, एक एक चीज की फोटो करते हैं। 1,000 रुपये हमारे घर का किराया भर रहे हैं। आज के समय में 1,000 रुपये कोई मकान किराया नहीं देता। आज के समय में हमारे सरकारी भवन शिफ्ट किया जाए, हमारे मकान किराए बढ़ाए जाए। 8 दिनों हो गए आपको, 8 दिनों में कितनी परेशानी आई है? बहुत परेशानी आ रही, बहुत धूप में बैठे हुए, इतने भयंकर धूप में बैठे हुए हैं। तो महिलाओं का एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें इनको किसी को मालूम नहीं चल रहा है। अक्सर लोग अंदर बैठे हुए हैं, कभी बाहर आके देख रहे हैं किस महिला की क्या लगी है, क्या उसको मुसीबत आ रही है, पीने का पानी तक नहीं है।
क्योंकि उनको पंखा कूलर एसी उनको सब सुविधा है, वो सब आके बाहर देखेंगे। वो सब सुविधा में बैठे हुए हम यहाँ पे भयंकर धूप में बैठे हुए हमारी मांगों को हम कुछ भी नहीं चाहते, केवल हमारे को नियमित कर दो। अगर नियमित नहीं कर सकते तो 21,000 या 25,000 हमारे मानदेय बढ़ा दो और एक भवन किराया बढ़ाओ। हमारे केवल 1,000 रुपये मिलता है, सीडी के कार्यकर्ता 1,000 रुपये में कौन भवन देगा हमारे को? हम घर से किराया देते हैं, मकान मालिक एक तारीख होते हैं मकान किराया 3,000 रुपये लेती है और 4 महीने 5 महीने निकल जाते हैं मकान किराया नहीं जमा होता। मकान मालिक तो 1 तारीख से 2 तारीख होता है और वो खड़ा हो जाता है, वो हमारी गांठ का देता है ना, तो हमारे वो पेमेंट जमा करते हैं ना हमारे को मकान किराया देते हैं। और पेमेंट और मकान किराया नहीं देंगे तो क्या हम हमारे बच्चों के सामने हाथ में लाएंगे? क्योंकि हमारा मकान मालिक पैसा मांगता है तो हमारे वो बच्चों के सामने हमारे को कहना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहायिकाओं का दर्द देख सकते हैं, कैसे बैठी हुई है, बिल्कुल न छाया है न कोई पानी की व्यवस्था है। ये है उन्नत नारी सशक्त नारी का ये नारा, बेटी पढ़ाओ बेटी की रक्षा करो करके नारे बहुत लगाते हैं, बेटियों के लिए बहुत सुविधा की जा रही है। जब हम बेटियां यहाँ बैठी हुई है हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है आज दिन तक, आज 8 दिन हो गए हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, हमारी सुनवाई की जाए, हमें परमानेंट किया जाए। तो आप देखें इनका दर्द आप सुन सकते हैं समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, बेचारे ट्रेन की धूप की व्यवस्था नहीं है, बेचारे इंसान इतना परेशान हो रहे हैं क्योंकि आए दिन बेचारे कितनी भयंकर गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी में बेचारे कार्यकर्ता रोज बेहोश हो रही है, उनके साथ सुविधा करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ये सहायिकाओं का दर्द है। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके आए हैं, बिल्कुल छोटा सा बच्चा 1 साल का बच्चा। गवर्नमेंट जो भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं वो हमारे पर्सनल मोबाइल से कर रहे हैं और इसका पेमेंट 1 महीने 2 महीने 3 महीने ये तो हमारे 4 महीने रिचार्ज करवाना पड़ रहा और ये 4 महीने तक हमारा रिचार्ज नहीं करवाते पर्सनल मोबाइल। ये हम पर्सनल मोबाइल हमारी सहायिका को नहीं दे सकते, जिस दिन हम मैं छुट्टी पे होंगी तो उसका पोषण टेकर का क्या होगा? तो हमारे को मोबाइल मिल जाएगा, हमारे को ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम करना पड़ता है, उसके लिए हमारे को मोबाइल की सुविधा दी जाए। मोबाइल हमारे पास नहीं है, हमारे को मोबाइल दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे दर्द है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेकर संघर्ष चल रहा है, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनके मानदेय बढ़े और इनका परमानेंट किया जाए, यही मांग को लेकर ये बहनें जो है अड़ी हुई है, माताएं अड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चट्टान की तरह अड़ी हुई है, हालांकि पुलिस विभाग ने पूरी सुरक्षा के देखते हुए बैरिकेड लगा दिए हैं साइटों में, एक तरह से पूरा घेरा बनाकर जो है इनको बीच में किस प्रकार से बिठा दिया गया आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि ये धूप छाव देखिए कि 8 दिनों से लगातार बहनें डटी हुई है, लगातार पूरे राजस्थान में ये जो है आंदोलन चल रहा है। बस
क्या जो बताना पड़ रहा है, हम चिंगा रहे हैं, क्या हो गया? सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, इसलिए हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमें सम्मानजनक मान दे दे। और हमारी जो बहनें सेवानिवृत्त होने वाली है तो उनको एक राशि की घोषणा तो करती है, लेकिन फिर भी उनको हम चाहते हैं कुछ पेंशन कर दे, क्योंकि जो बहनें अभी तो मानदेय कर्मी है और अपना खर्च चला रही है, बाद में वो कैसे अपना घर चलाएगी? इसलिए हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि हम आंगनबाड़ी वाली बहनों को कुछ सुविधा दे, हमें सम्मानजनक मान दे दे और हमें सम्मान दे कि हम भी तो उन सारे कर्मचारियों की तरह उतना ही काम करते हैं जितने दूसरे राज्य कर्मचारी करते हैं, तो फिर हमें राज्य कर्मचारी घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अपनी मांग सरकार को रखना चाहते हैं कि हम सब आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक मान दे दे, जिससे हम अपना परिवार का पालन पोषण कर सके और सेवानिवृत्त के बाद हमको पेंशन दी जाए, ताकि हम यहाँ से जाए तो हमारे बाद में क्या होगा, इसलिए पहले उन सारी बहनों को पेंशन की सुविधा। क्या सरकार की रिपोर्ट नहीं पहुंच रही है, आपको क्या लग रहा है? जहाँ महिलाओं कानों में रुई डाल के बैठी है, लेकिन हम इस सरकार को जगा के रखेंगे और हमारा ये धरना और तेज होगा, हमारा आंदोलन और तेज होगा और हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। इतने दिन हो गए हम धूप से चल रहे हैं, 21 तारीख से हम यहाँ पे धूप चल रहे हैं, किसी प्रशासन ने हमको आके नहीं देखा है, हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि सरकार इसके सामने हमारी मांगे रखे और हम सबको हमारा सम्मान दे, मान देने वेतन दिलवावे, राज कर्मचारी घोषित कर रहे हो, जब तक राज कर्मचारी घोषित न किया जाए तब हमको उनको सम्मानजनक मान दे दे और हमारी जो बहने सेवानिवृत्त होने वाली उनके लिए पेंशन ना दे। जहाँ जहाँ महिलाओं को पूजा जाता है, महिलाओं की पूजा भारत देश में की जाती है, नेता बात करते हैं, हमारे राजा महाराजा आज महिला बैठी हुई है अपनी मांगों को लेकर बता रही है, महिला ही महिला का दुख नहीं समझ रही है, सबसे बड़ी विडंबना है। हम उस हमारे महामंत्री ममता भूपेश से कहना चाहेंगे कि हम सब बहने इतना धूप में चल रही, इतना आंदोलन कर रही है, वो हमारी मांग सुने। देख सकते हैं कि कितनी प्रचंड गर्मी है और प्रचंड गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और हमारा आंदोलन जब तक शांत नहीं होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। क्या किस किन शब्दों में इन बहनों को धन्यवाद देना चाहेंगे? ये मैं इन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों, अपने घर परिवार और अपना सारा काम छोड़ कर इस धूप मिला के धूप में जल रही है, क्यों कि इनको तकलीफ है, ये अपनी तकलीफ से धरना देकर बता रही है, इसलिए मैं सरकार से गुहार लगाती हूँ कि ये हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करे, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बहनें बैठी हुई है, माताएं बैठी हुई है, ये वो बहनें माताएं हैं, बहनें हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, इस राजस्थान के लिए नहीं पूरे देश के लिए इन्होंने नीम तैयार की है, छोटे छोटे बच्चों को प्रथम अ आ ई का पाठ कराने वाली आज बहनें को अधिकार के लिए आज सड़क पर उतरना पड़ा है, कलेक्ट्री के सामने प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए जो देखिए, 8 दिन हुए कहीं कम नहीं हुआ है। देखेगी यहाँ मांग पूरी नहीं हुई तो जयपुर में जाएंगे, अब इनका तय किया है कि ये जयपुर में भी जाके धरना भी देंगे।
क्या रणनीति आगे? भाई आप हमारे कल जयपुर जाने की योजना बना ली है और हमारे यहाँ से बस जाएगी और काफी लोग हम लोग पहुँचा रहे हैं। पूरे राजस्थान से जा रहे हैं? पूरे राजस्थान से जा रहे हैं जी। क्या अब आज हमारे यहाँ का सातवां दिन है और अब हम बेगे मैंने आगे जयपुर जाना चाह रही है और हम अभी प्रस्थान करेंगे शाम को और अब वहाँ जाके हम घेराव करेंगे और वहाँ पे भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अनशन में बैठ जाएंगे वहाँ पे। लेकिन गहलोत जी को हमें परमानेंट करना ही होगा क्योंकि उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए उन वादों को उनको पूरा करना होगा और अब हम मैंने झुकने वाली नहीं है क्योंकि आप भी देख रहे हो हम 7 दिन से यहाँ बैठे हैं अभी तक हमारे यहाँ किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है और नहीं किसी ने कुछ पूछा है। इसीलिए हम अब आगे हमारा आगे प्रस्थान है और आगे वाले भी नहीं सुनेंगे तो और उससे भी आगे जाएंगे दिल्ली तक क्योंकि अब हम बैठे झुकने वाली नहीं और दिल्ली भी नहीं सुनेंगे तो वहाँ जाएंगे।